खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रियंका गांधी से बातचीत की है हमारे सहयोगी रणवीर ने, सुनिए आप ही। मैं कोई मार्च का प्रोग्राम था नहीं, लखनऊ में या नो प्रॉब्लम, लखनऊ में कोई मार्च का प्रोग्राम नहीं था। हम अपने प्रोग्राम के बाद कुछ परिवारों से मिलने जा रहे थे जिनके सदस्यों को बेवजह उन्होंने जेल में डाला है। गाड़ी में शांतिपूर्वक चल रहे थे, आगे पुलिस आई, हमें रोका। हमने कहा क्यों रोक रहे हैं, कोई वजह नहीं, यूं करके पकड़ के मुझे रोका। हमें गाड़ी को के आसपास है तो हमने कहा ठीक है हमें जाना है, हम कुछ अपराध तो कर नहीं रहे, कुछ गलत तो कर नहीं रहे, तो मैं पैदल निकल गई। मैंने कहा रोकना है तो रोकिए। तो मैम कब तक आप रहेंगे लखनऊ में? अभी मैंने अपनी वापस जाने की फ्लाइट बुक नहीं की है। तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हाँ ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा बिल्कुल। ये प्रोटेस्ट क्या है, ये हम गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने रोका, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं पैदल चलती हूँ, मुझे रोको। फिर मुझे चल के रोका, इन्होंने धकेला। अभी कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक उस परिवार का घर है, शायद यहाँ 8-9 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जिन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और जहां जाना है 8-9 किलोमीटर है वहां तक वो पैदल जाएंगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।